गूगल एड्स का कितना पैसा चार्ज करती है? अगर आपके दिमाग में भी आता है ऐसा सवाल कि गूगल अपने प्लेटफॉर्म पे एडवर्टाइज करने का कितना पैसा यूजर्स से चार्ज करती है, लेकिन अगर आपको अपना ऐड चलाना है गूगल पे तो गूगल को कितना पे करना पड़ेगा, तो ये वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि इस वीडियो में मैं बात करने वाला हूँ कि गूगल ऐड का कितना पैसा चार्ज करती है, मिनिमम कितने बजट से आप गूगल पे एडवर्टाइज करना स्टार्ट कर सकते हैं, कितने टाइप का गूगल एड्स होता है, एंड गूगल एड्स कहाँ कहाँ शो करता है, क्या गूगल एड्स केवल गूगल पे शो करता है, या कितने और प्लेटफॉर्म हैं जहाँ पे गूगल के थ्रू आप एड डिस्प्ले कर सकते हैं, यानी कि पूरा ओवरऑल गूगल एड्स का एक स्मॉल ओवरव्यू आपको इस वीडियो में मिल जाएगा। तो मेरे साथ वीडियो में लास्ट तक जरूर से जरूर बने रहें। फ्रेंड्स, मेरा नाम है विकास, आप देख रहे हैं कलाम एकेडमी, एंड आज के इस वीडियो में हम लोग डिटेल में जानेंगे गूगल एड्स के बारे में। तो बेसिकली कितना पैसा लगता है गूगल एड्स का, तो ये इसका कोई डायरेक्ट आंसर नहीं है कि हाँ गूगल एड्स का 5,000 रुपये लगता है या 2,000 रुपये लगता है या 1,000 लगता है, क्योंकि कोई फिक्स ऐसा अमाउंट नहीं है जो गूगल चार्ज करती है अपने प्लेटफॉर्म पर एडवर्टाइज करने के लिए। हर एक कैंपेन का अलग अलग बजट होता है, हर एक कैंपेन का अलग अलग ऑब्जेक्टिव होता है, मतलब कि आपका जैसा रिक्वायरमेंट है, लाइक आपका जैसा बिजनेस है उसके हिसाब से आपका एड स्पेंड, मतलब जो एड पे आप खर्च करोगे वो कम और ज़्यादा हो जाता है, ठीक है। तो इसको समझने के लिए कि गूगल एड्स का कितना पैसा चार्ज करती है, इसको हमेशा आप मिनिमम और मैक्सिमम से समझ सकते हैं। मिनिमम कितना आप स्पेंड कर सकते हैं, तो अगर मिनिमम की बात करें तो मिनिमम आप 10 रुपये भी जो है गूगल एड्स पर डे का स्पेंड कर सकते हैं, लेकिन गूगल एड्स में जब भी आप पैसा ऐड करते हो, मतलब गूगल एड अकाउंट अपना आपने बनाया एंड आप जब आप पैसा ऐड कर रहे हो, तो मिनिमम आपको 500 रुपये ऐड करने पड़ते हैं, ठीक है। लाइक गूगल एड्स पे 500 से कम का पेमेंट का ऑप्शन नहीं होता है, लेकिन कोई कैंपेन आपने बनाया है तो उसका मिनिमम बजट आप 10 रुपये, 20 रुपये, 50 रुपये भी रख सकते हो, लेकिन हाँ इतना कम बजट अगर रखोगे तो उस पर आपको कुछ रिजल्ट नहीं आएगा, ठीक है। ऐसा नहीं है कि हाँ 10 रुपये का कैंपेन चलाए हैं आप रिजल्ट बहुत हैवी एक्सपेक्ट कर रहे हैं, ठीक है। तो कितना पैसा लगता है, तो मिनिमम जो है 500 रुपये आप अकाउंट में ऐड कर सकते हो, एंड कैंपेन का जो बजट है वो बेसिकली आप 10 रुपये, 20 रुपये, 50 रुपये, 100 रुपये, 500 रुपये, जितना चाहो आप उतना डेली बजट रख सकते हो। गूगल एड्स पे मैक्सिमम का बात करें कि मैक्सिमम कितना पैसा लगता है, तो मैक्सिमम का कोई ऐसा लिमिट नहीं है, जितना चाहें आप उतना स्पेंड कर सकते हैं। ऑल्दो जो नया एडवर्टाइजर होता है, लाइक आपने जस्ट अकाउंट बनाया एंड आप स्पेंड करना चाहो, तो आपके लिए कुछ रिस्ट्रिक्शन वहाँ पे होते हैं। नेक्स्ट जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि गूगल के थ्रू आप ऐड कहाँ कहाँ शो कर सकते हैं, तो गूगल ऐड के थ्रू आप चाहो तो यूट्यूब पे अपना ऐड शो कर सकते हो, गूगल के सर्च रिजल्ट पे अपना ऐड शो कर सकते हो। इसके अलावा बहुत सारी वेबसाइट होती हैं, थर्ड पार्टी वेबसाइट्स होती हैं जहाँ पे आपने गूगल का एड्स देखा होगा, तो वहाँ पे भी आप चाहो तो अपना एड्स गूगल के थ्रू चला सकते हो, लाइक ऐसे थर्ड पार्टी वेबसाइट्स को टारगेट कर सकते हो जो गूगल का अपना तो नहीं है लेकिन गूगल के पार्टनर है, जहाँ पे आप अपना एड डिस्प्ले करवा सकते हैं। तो ओवरऑल आप यूट्यूब पे चाहो तो गूगल के थ्रू ऐड चला सकते हो, या फिर आप गूगल के सर्च रिजल्ट का जो पेज होता है वहाँ पे ऐड चला सकते हो, या फिर इसके अलावा थर्ड पार्टी वेबसाइट्स पे ऐड चला सकते हो, बहुत सारे मोबाइल एप्लीकेशन में भी आप गूगल पे ऐड चाहो तो डाल सकते हो। नेक्स्ट जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है कि गूगल एड्स कितने टाइप का होता है, तो देखिए नॉर्मल सा है, एक सर्च ऐड होता है, एक डिस्प्ले ऐड होता है, अब इसको कॉम्प्लिकेट नहीं करना है। गूगल सर्च इंजन पे जितना आप रिजल्ट देखते हो ऐड के फॉर्म में, लाइक आपने गूगल पे कुछ सर्च किया वहां पे आप देखोगे एड्स लिखा रहता है गूगल के सर्च रिजल्ट वाले पेज पे, वो सिंपली भाषा में वो सर्च ऐड है। उसके अलावा जो भी आप ऐड देखते हो गूगल का, वो सारा डिस्प्ले ऐड है, इधर वो थर्ड पार्टी वेबसाइट पे हो या यूट्यूब पे हो, वो सारा लगभग डिस्प्ले एड्स है। तो ओवरऑल अगर आपको कैटेगराइजेशन करना है तो ये एक तरीका हो सकता है गूगल एड्स को कैटेगराइज करने का, तो सबसे पहला जो है कि जो आप सर्च पे देखते हो, और इसके अलावा जो है कि आप जो भी इसके अलावा जो सर्च के अलावा जो भी देखते हो वो डिस्प्ले एड्स है। गूगल एड्स बिजनेस के लिए बहुत हेल्पफुल होता है, तो अगर आप अपना गूगल एड्स खुद से चलाना चाहते हैं तो आप चला सकते हैं, गूगल एड्स में अच्छा खासा रिटर्न मिलता है, बट गूगल एड्स का ओवरऑल इंटरफेस जो है ऐड चलाने का बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड है, एंड आपको कोई एक्सपीरियंस अगर एडवर्टीजमेंट चलाने का नहीं रहा है तो आपके लिए हो सकता है कि वहाँ पे कुछ लॉस वो आपको दे दे।
तो अगर आप कोई प्रोफेशनल खोज रहे हैं जो आपका गूगल एड्स चला दे, तो आप हम लोग को भी कंसीडर कर सकते हैं। मैं डिस्क्रिप्शन में अपनी एजेंसी का नंबर डाल दूंगा। होपफुली फ्रेंड्स ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो वीडियो को तुरंत लाइक कर दें। आपके फ्रेंड सर्कल में कोई भी ऐसा है जिसको आपको लगता है गूगल एड्स रिलेटेड कंफ्यूजन है, तो ये वीडियो उन तक जरूर से जरूर पहुंचाइए। मेरे चैनल को आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर दें। अगर आपके दिमाग में अभी भी आ रहा है कोई सवाल गूगल एड्स से एंड चाहते हैं कि मैं पर्सनली उसका आंसर करूँ, तो आप कमेंट में मेरे से पूछ सकते हैं। मैं उसका आंसर देने का जरूर से जरूर कोशिश करूंगा। हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, अपना ख्याल रखिए। We'll be right back.